श्यामा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने कई गांव में पहुंचकर सड़कों का किया था लोकार्पण। विकलांग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचा था विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के पास। विकलांग भीड़ में अपनी समस्याओं को लेकर चिल्लाता रहा, लेकिन विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने नहीं सुनी विकलांग की समस्या। विकलांग का कहना था कि उसके परिवार में कोई नहीं है और उसकी टांगे रेल से कट गई। सिर्फ 500 रुपए महीना पेंशन मिल रही है, उसकी किसी भी तरीके से मदद ग्राम प्रधान द्वारा नहीं की गई। पीड़ित विकलांग इस समय भीख मांग रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव पीरपुर का मामला। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट। कोई नहीं है, 500 रुपए में कैसे खाना चलाएंगे? मेरी जिम्मेदारी, घर भी है, कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं, घर मकान है मेरा, ये मेरा घर भी देगी आप जी। इलाज मेरा नाम है इलाज चंद्र भान, मैं रेल से कटा हुआ हूँ, रेल से, और मेरा थोड़ा हर पास है, ये लो, ये मेरा और जो घूमता भी आया हूँ, ये अभी आया, हाँ मैं रेल से। कहाँ के रहने वाले हो? गई हूँ पीरपुर का ही। पीरपुर से जहाँ ये आए हैं आप? सरकारी योजना नहीं मिल रही आपको? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। पेंशन वगैरह 500 रुपए मिलने नहीं लगे? 500 रुपए महीने के? कोई नहीं है ना, माया ना भूखा प्यासा भीख मांग के बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मैं भीख मांग रहा हूँ। अच्छा, किसी सरकारी आदमी ने कोई सेवा मदद वगैरह की? कुछ नहीं, कर्मचारी वालों कुछ नहीं करा। प्रधान ने कोई सहयोग नहीं करा? नौकरी वोट लेते हैं वो जी, हट जाते हैं, घूम रहा घूम तो मैं भीख मांगता बोल रहा हूँ जी। काम करवाएगा मेरे खाते में, लंबर से पैसे दिए जाओ तो मैंने जो भी दे दिए जी। ये जल्दी से जल्दी काम करवा दीजिए आप, और देखो इसका लंबर भी ले लीजिए आप, ये मेरा, ये मेरा मेरा, और देखो ये कॉपी है नई आई है, ये जरौल से ही बनी है, इसका लंबर भी ले लीजिए आप। कितने पकड़िए? ठीक है, थैंक यू।